तो अभी मैं, रशि, दीदी, हम सारे अभी मॉल में आए हैं क्योंकि कल जो इवेंट है, जो जाना है उसमें गौरव के लिए मेरे लिए कपड़े नहीं है। जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया बेटा, बंद हो जाएगा। तो मेनली ये तीन कपड़े मैंने डिसाइड किए हैं कल के इवेंट के लिए मेरे लिए, अभी गौरव के लेने हैं। तो कंफ्यूजन सबसे बड़ी है, तो ट्राउजर ले लिया मैंने गौरव के लिए, शर्ट ले लिया। अब समझ नहीं आ रहा ये लूँ या ये लूँ। 1 2 3 4 5 6 चलो चलो फटाफट। तो हम बस अभी वापस आ रहे हैं, मैंने अभी ये भी रशि का रिपोर्ट कार्ड देखा, अभी आया है। इतनी खुशी हो रही है, मुझे तो लगा नहीं था, लेकिन रशि को सारी चीज़ों में एक्सीलेंट मिला, बस दो चीज़ों को छोड़ के। एक तो रशि अब बाउंड्री के अंदर कलर किया करो, पूरा बाउंड्री के अंदर नहीं कलर करते, बाहर निकाल देते हो, उसमें नंबर कट गए तुम्हारे के। फिर भी भाई सब चीज़ों में एक्सीलेंट मिला, मुझे लगा नहीं था, क्योंकि इतनी भागा दौड़ी में जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ाया है अनकन करके करके, लेकिन इतनी खुशी हो रही है ना, ऐसा लग रहा पे ऑफ हो गया। आज तो भाई पार्टी, तू जो कहेगा वो होगा भाई। पापा को जाके बताइए, रशि खोलो। भाई पापा केक खिलाओ नहीं इसको, तो भाई ये तो आज जो मांगेगी वो मिलेगा। क्या मांगेगा मेरा बच्चा? जो रशि मांगेगी केक। अब तो लेट हो गया रशि भाई, लेकिन इसको तो जो जो ये कही वो देना पड़ेगा भाई। रशि का रिपोर्ट कार्ड देखा मैंने, मेरा रिपोर्ट कार्ड कभी ऐसा नहीं था यार। रशि पापा इज सो प्राउड। ग्रेट सक्सेस। पापा पे गए हो, पापा पे। यहाँ ये आहा वाली बात है कि नहीं है? आहा रशि, यू बधाई हो भाई, तुम्हारी बहन को एक्सीलेंट मिला सब चीजों में। नहीं मैं सोचता हूँ, सही में लगता है कैसे कैसे पढ़ाया, प्लेन में, ट्रेन में, शूट पे, गाड़ी में, ये पूरे मेरे नक्शे कदम पे है। बिल्कुल पढ़ाई में बढ़िया था मैं, फिफ्थ क्लास था, फिफ्थ के बाद मेरे ग्रेड्स डाउन हो गए, फिर नाइन्थ में जाके ठीक हुए थे। पता है रशि सो गई थी, मैंने कहा रशि उठो आपका केक आने वाला है, खा के सोना बच्चे। ठीक है रशि, तो आप सो जाओ, फिर केक है तो हम मैं मम्मा खा लेंगे, ठीक है। आप लड़की को अपनी यार, मम्मा रशि को पकड़ लो। नो इतनी जिद्दी क्यों? वन सेकेंड बैक टू आर इटर्नल स्कूटर, सुख दुख के साथ। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, उठ गया? अच्छे से नींद नहीं होगी मेरे बच्चे की? ये बताओ। गुड मॉर्निंग माँ। समय हो चुका है 10:03, पेपर अपलोड हो गया होगा, स्टार्ट करते हैं भाई। जय माता दी। चाय दे दो चाय, पेपर स्टार्ट होने वाला है यार। लालाम मेरे बच्चों, लालाम पीहू, लालाम जय माता दी, जय भाभी। चोटी तो बहुत अच्छी बनाई, किसने बनाई है? हाँ बहुत थोड़े लग रहा है। नाश्ते में आलू का पराठा, चाय और क्या कराम, 1/2 कप करी लाई। इतना प्यार है मेरे से। दोनों का चम्मच देखो, इतना बड़ा चम्मच है, तू छत वाले ऑफिस से बैठ के भी खा सकता है यहाँ से। और ये तो खर्ची देखा, जिससे बना सी दिखा रही है क्या? इसी में चालू किया था, 2:40, कितना घंटा लिखा मैंने, 4:40 लिखा है मैंने खाली। बचपन में पापा कहते थे बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कौन कर सकता भाई लॉ की प्रैक्टिस लिख लिख के। कितना मिस किया पापा को। पापा आ गए। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं धुलाई। बताता हूँ क्या करने वाले, उसके पहले लेट मी टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। को पता है इंपॉर्टेंट बातें मैं बैठ के करता हूँ, विच इज इन माय बालकनी। यहाँ से आके यहाँ बैठ जाते हैं, मेरे कपड़े सूखते रहते हैं, मस्त यहाँ पे ना मजे आते हैं। बात ऐसी है कि जिंदगी में सारी भसर हम लोग क्यों करते हैं, स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके फिर सारी हसल नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कंपनी का ओनर है, मालिक है, उसको अगर बंदे चाहिए तो उसको कैसे बंदे चाहिए वैसा सोचो यार। आप अपना रिज्यूमे भेजते हो, उसमें सब कुछ लिख देते हो, अब एक कागज में आपकी क्वालिटीज लिखी हुई हैं, उसको देख के वो बंदा जज करता है कि मुझे इसको हायर करना है कि नहीं। जो लगता है मुझे थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। हमारी पीहू रशि सो गई, पीहू सो गई, मैं सो रहा हूं यार। हमने खाना ऑर्डर कर दिया लेकिन अभी खाना आएगा तो खाने की हिम्मत नहीं है, और दिल्ली में ऐसी लू चालू हो गई हुई, 2 दिन पहले गए थे, सब ठीक था। लालाम जय माता दी जय भाभी।
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. बात क्या है, मम्मा ने पिट्टी कर दी है. क्यों करी, कुछ कर रहे होगे जरूर. क्या कर रहे थे? एक बैग था. हाँ. उस पे जो माँ ने अभी घर के अंदर फुफू कर दिए माँ ने. तो तुम्हें पिट्टी क्यों हुई उसके लिए? क्योंकि जो बैग था वो वाला वो माँ के फुफू पे रख दिया था. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. बेटा तुम्हारा गोल्डा वैसे ही टूटा हुआ है, पेल्विक हड्डी भी. अगर ये हड्डी एक परेशान है ना तो दूसरी हड्डी चेंज करवानी पड़ेगी. चेंज करवानी पड़ेगी. हाँ बेटा, मैं मम्मी को वही कह रहा हूँ कि हड्डी चेंज करा लेते हैं. अगर आपको ज्यादा दूर टूटा है ना, हड्डी चेंज करवानी पड़ेगी. कल बाजार जाएंगे और मम्मा के लिए न्यू हड्डी लेके आएंगे. ठीक है, तुम्हारा कच्चा वॉशिंग डे, क्योंकि मेरे सारे कच्चे गंदे और यहाँ कोई धोता नहीं है. क्या फिर से? हमारे गंदे अंडरवियर और सॉक्स का भंडार जिसको हम धोएंगे आज. चलो, क्या झाग बनाएंगे. क्या बात है ऐसी, अब आपने कर लिया, मैं कर लूंगा. चलो ठीक है, चलो कॉल करोगे. चलो धो लो. चलो, वेरी गुड. रशिया ने पीहू की सारी मैट धो दी है. कितनी अच्छी सिस्टर हो रशिया. तो इसको सुखा देंगे. वेरी गुड, हो गया हो गया. अब मैं निचोड़ के रख दूंगा, आप रख दो आप. चलो हो गया हो गया. ऑयल पापा. अच्छा रशी, आए मेरे बेचारे पापा. कॉलेज में कपड़े धोते थे ना ऐसे, शाम को धो दिए. कल धोएंगे, कल धोएंगे भाई. हफ्ते बाद निकालते थे ना ऐसी बलबू, तो ऐसी फंगस टाइप हो जाती होगी ना. जो अच्छे होते ना पढ़ाई में, वो नहाते वक्त बोलते थे. ओके, अरे गंदे मत करो यार. वाह पापा, आप तो पिछले जन्म में धोबी थे. मेरा हो चुका रेडी माइक्रोवेव में. हाँ तुम्हारा भी रेडी. तुमने आज चीटिंग की. ये बता क्या करी लड़की, मैं कहूँ मेरी ये माय प्रोटीन की प्रोटीन बार यहाँ पड़ी हुई थी, इतनी सी हो गई है. मैं कहूँ कौन खा रहा कौन खा रहा, अब मुझे पता चला ये शैतान बच्चा खाता है. माय प्रोटीन, माय प्रोटीन. ज्यादा नहीं याद है पापा, ब्लूबेरी लखनऊ में कैसे करती थी. प्लीज पापा माय प्रोटीन दे दो लालो. आज मम्मी नहीं है तो ये पापा को पूरा पागल बनाने के मूड में. मम्मा जल्दी आओ. माँ ब्यूट क्या लियो. पापा को निन्नी करने दो, मेरे को बहुत पढ़ाई करनी है बेटा. एडिटिंग भी करनी है, जिम भी जाना है. नहीं, निन्नी करने दो. नहीं.